ये देश वीरों का देश है। डे को अपनी जीवन का मूल मंत्र बनाइए सर। अभी भी हमारे पास समय है कि हम इस डे को अपनाएं। इसका मतलब एलोपैथी को छोड़ दें? कौन बोलता है सर? An average mind is an extremist mind. एक चीज पकड़ ली तो दूसरे को गाली देने लगेंगे। The goal, every day becomes the festival. ये देश वीरों का देश है, ज्ञानियों का देश है। बस हमने एक गलती की और हम भुगत रहे हैं, और वो गलती थी हमने डे को छोड़ दिया। अभी भी हमारे पास समय है कि हम इस डे को अपनाएं। हमने कहा डे, डे का एक बार वर्ण फिर से करें, दिन डे को अपना लें। डे मतलब, डी मतलब ध्यान, ए मतलब आयुर्वेदा, वाई मतलब योग। इसका मतलब एलोपैथी को छोड़ दें? कौन बोलता है सर? कौन बोलता है? क्यों छोड़ देंगे आप एलोपैथी को? अब जब उस तरह के वैद्य नहीं है जो नाड़ी पकड़ के पूरी बॉडी को स्कैन कर दें, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, क्या दिक्कत है सर? एलोपैथी को भी रहने दीजिए सर। हमने क्या किया? हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए। हमने एलोपैथी को छोड़ दिया, पकड़ लिया कायदे से, आयुर्वेदा को ही छोड़ दिया। हमने जिम को पकड़ लिया, योगा को छोड़ दिया। हमने नशे को पकड़ लिया, ध्यान को छोड़ दिया। इसी से बाहर आना है सर, इस चीज से बाहर आना है सर। आप आयुर्वेद को पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा, एलोपैथी को छोड़ने को कौन कह रहा सर? जो इसका उपयोग है उसको भी यूज करिए सर। आप जिम जाते हैं, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, योगा भी कर लीजिए आधा घंटा, कोई बुराई नहीं है सर। आप स्ट्रेस में है, 20 ml अकॉर्डिंग टू सरदार खुशवंत सिंह, जो कि भारत की बहुत बड़ी हस्ती है, रहे का विस्की एंड्स ऑल द रिस्क, तो ठीक है सर, 20 ml आपने ले लिया, ध्यान भी कर लीजिए सर। एक्सट्रीमिज्म पे क्यों जा रहे हैं? अतिवादी क्यों बन रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट क्यों बन रहे हैं? एन एवरेज माइंड इज अ एक्सट्रीमिस्ट माइंड। यही तो इस देश के बहुसंख्यक लोगों की प्रॉब्लम है, एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक चीज पकड़ ली तो दूसरे को गाली देने लगेंगे। एक्सट्रीमिज्म छोड़ दो सर, अतिवाद छोड़ दो। कोई अगर कोई बात कह रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को जरूर देखो। योगा करिए सर। डे को, डे 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 को अपनी जीवन का मूल मंत्र बनाइए सर। अब तो पूरी दुनिया को बनाना पड़ेगा सर। डे को, डे ध्यान, मेडिटेशन, ए आयुर्वेदा, वाई योगा। डे द गोल, एवरी डे बिकम्स द फेस्टिवल। अब मत सुनिए सर किसी की, क्या रे योगा होगा तो हिंदुओं की पद्धति है। सर कोई किसी की पद्धति नहीं है, ये पूरी कायनात उस भगवान, उस खुदा ने बनाई है, वो एक ही है सर।